पंचकुला में एंटी करप्शन डे मनाया जाएगा। वहीं राज्य स्तरीय एंटी करप्शन डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं दोपहर 12 बजे पंचकुला पहुंचेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दोपहर 12 बजे पंचकुला पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। पंचकुला में मनाया जाएगा एंटी करप्शन डे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पंचकुला से राज्य स्तरीय एंटी करप्शन डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इसमें सीएम मनोहर लाल शिरकत करने वाले हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दोपहर 12 बजे पंचकुला पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। पंचकुला में एंटी करप्शन डे मनाया जाना, राज्य स्तरीय एंटी करप्शन डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें सीएम मनोहर लाल कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, दोपहर 12 बजे पंचकुला पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। बड़ी अपडेट सामने, पंचकुला में एंटी करप्शन डे मनाया जाना है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़े हुए। पवन, आपसे जानना चाहेंगे, आज एंटी करप्शन डे का आयोजन किया जाना है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल होंगे, क्या कुछ रहने वाला है कार्यक्रम? जी बिल्कुल, आज पंचकुला में राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय एंटी करप्शन डे मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। पंचकुला के PWD रेस्ट हाउस में ये कार्यक्रम करीब 12 बजे शुरू होगा और इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचेंगे। यहां से मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा की आम जनता को संबोधित करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस पर जो फैसले लिए गए हैं पिछले 9 साल में, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो प्रहार हुए हैं, सरकार ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया है, उसका जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे। जी वही पवन जी, अक्सर देखा गया है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल अक्सर भ्रष्टाचार पर चोट करते हुए नजर आते हैं, चाहे वो किसी भी विभाग में हो रहा भ्रष्टाचार हो। तो आगामी चुनावों को देखते हुए इस तरीके के प्रोग्राम कितने मायने रखते हैं? आज भी एंटी करप्शन डे का आयोजन किया जाना है जिसमें सीएम मनोहर लाल हिस्सा लेंगे। निश्चित तौर पर हरियाणा में जो है वो जो अंतर्राष्ट्रीय ये जिस तरीके से कार्यक्रम जो है वो भ्रष्टाचार विरोधी दिवस पर आयोजित किया जा रहा है, ये कार्यक्रम हर साल ही इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम में पहुंचते हैं। इसी कड़ी में आज भी अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के मौके पर पंचकुला के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। पिछले 9 साल में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर एक तरीके से अपने वायदे को दोहराते हुए कई बार बड़ी चोट की है। हरियाणा में कई IAS अधिकारी, कई HAS अधिकारी, इसके अलावा कई अन्य गजेटेड अधिकारी जो है उनके खिलाफ पिछले 9 साल में बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बार बार यही दावा रहता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी भी मामले में कोई ढील नहीं बरती जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसका असर भी देखने को मिला है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला में जो आयोजित कार्यक्रम है इसमें पहुंच रहे हैं। जी, आज एंटी करप्शन डे का आयोजन किया जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद पवन सिवर जी तमाम जानकारी के लिए। राज्य स्तरीय एंटी करप्शन डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसमें सीएम मनोहर लाल शिरकत करने वाले हैं।